आज वाली गेमिंग न्यूज के एपिसोड में हम पबजी बीजीएमआई, अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर, माइनक्राफ्ट एंड न्यू मेड इन इंडिया गेम्स के बारे में बात करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे एंड अगर गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट पर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज से दो दिन पहले एक न्यू इंडियन एक्शन हॉरर गेम को अनाउंस किया गया जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है। इस गेम का नेम है ऑकल्ट चैम्बर्स जो कि टोटली इंडिया में सेट है। इस गेम के अंदर हमें एंशिएंट फोर्ट एंड रुइंस एंड ब्लैक मैजिक के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। गेम की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग है एंड ये गेम पीसी एंड प्लेस्टेशन 5 कंसोल्स के लिए आएगा। इसका ट्रेलर भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। लेट्स सी ये गेम जब लॉन्च होता है तो कैसा रहेगा। जैसा कि हमें पता है रिसेंटली यूबीसॉफ्ट ने एक न्यू ओपन वर्ल्ड गेम अनाउंस किया था मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए जिसका नेम है डिविजन मोबाइल, जिसके क्लोज अल्फा के लिए प्री रजिस्ट्रेशन चालू थे। फाइनली उसका क्लोज अल्फा आ चुका है तो ये क्लोज अल्फा चलेगा 21 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक। इस बीच में आप गेम को टेस्ट कर सकते हो तो अगर आपने प्री रजिस्टर किया था तो क्लोज अल्फा को ट्राई जरूर करना। इंडस जो कि एक अंडर डेवलपमेंट इंडियन बैटल रॉयल गेम है, फाइनली सुपर गेमिंग ने इस गेम का एक और न्यू गेमप्ले रिवील किया अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में। ये गेमप्ले टीपीपी कैमरा एंगल का है। इसके अंदर हमें गेम का एक लोकेशन देखने को मिला, जोन कैसे श्रिंक होगा इस गेम में वो देखने को मिला, प्लेयर मूवमेंट एंड कैरेक्टर फिजिक्स देखने को मिला। हालांकि ये गेमप्ले थोड़ा लैगी है बट फाइनल वर्जन तक गेमप्ले स्मूथ हो जाएगा। PUBG न्यू स्टेट के अंदर 0.9.35 का एक न्यू अपडेट आया। इस अपडेट के अंदर गेम के अंदर काफी सारे मेजर चेंजेस हुए। लाइक गेम के अंदर एक न्यू डेथ मैच मैप आया एग्जिबिट हॉल का, MP155 अल्टीमा नाम से एक न्यू गन आया, न्यू गन प्ले अपडेट्स आए, अदर इन गेम अपडेट्स आए एंड और भी बहुत कुछ आया है। तो अगर आप न्यू स्टेट मोबाइल खेलते हो तो गेम को अपडेट कर लेना। अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर को लेके काफी बड़ी न्यूज सामने आ चुकी है। सो रिसेंटली अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर का एक न्यू वेपन रिवील हुआ जिसका नेम है बेरेटा M9 जो कि एक पिस्टल है। नॉट ओनली दिस, आपके पास अब एक मौका है इनके कम्युनिटी के ऑफिशियल बंदों से बात करने का। सो गाइस कल यानी कि संडे को दोपहर के 1 बजे इनके डिस्कॉर्ड सर्वर में इनके ऑफिशियल बंदे आने वाले हैं। तो आप डीसी के वॉइस चैट के थ्रू इनसे बात कर सकते हो, वीपन्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो। काइंड ऑफ छोटा सा टॉक शो होने वाला है इनके डिस्कॉर्ड सर्वर में। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इसके लिए। Assassin's Creed के सीरीज के फैंस के लिए दो बड़ी न्यूज निकल के आ चुकी है। Assassin's Creed Rift जो कि Assassin's Creed Valhalla का DLC होने वाला है उसको नेक्स्ट ईयर के लिए डिले कर दिया गया है। यानी कि इस ईयर अब आपको Assassin's Creed Valhalla का Rift DLC देखने को नहीं मिलेगा। एंड Assassin's Creed का एक न्यू गेम जिसका कोड नेम है प्रोजेक्ट रेड उसको एशिया कॉन्टिनेंट पर सेट किया जाएगा, ऐसे लीक्स आ रहे हैं। हम सभी को पता है रिसेंट के डेज में बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर काफी ज्यादा सर्वर प्रॉब्लम आ रहे थे। यानी कि सर्वर ऑटोमेटिकली क्रैश कर रहा था एंड सर्वर काफी ज्यादा लैग कर रहा था। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए क्राफ्टन गेम्स ने BGMI के सर्वर को मेंटेनेंस में डाला है एंड ये मेंटेनेंस आज यानी कि सैटरडे को लगेगा इनके डेडिकेटेड टाइम पर जो कि इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। तो शायद आपको आज गेम खेलने में प्रॉब्लम आए लेकिन कल से आप वापस से BGMI में रैंक पुश कर सकते हो। रिसेंटली बांग्लादेश कंट्री में वहां के लोकल पुलिस ने पबजी मोबाइल के एक ऑनगोइंग टूर्नामेंट में रेड किया एंड वहां से 120 प्लस पबजी मोबाइल के बेस्ट प्लेयर्स एंड मैनेजमेंट टीम के बंदों को अरेस्ट किया। ऐसा क्यों? क्योंकि 16 अगस्त 2021 में पबजी मोबाइल को बांग्लादेश कंट्री में बैन किया गया था एंड अब तक बैन लिफ्ट नहीं हुआ है। एंड बैन होने के बावजूद एक इलीगल गेम का टूर्नामेंट अगर किसी कंट्री में होगा तो ऑब्वियसली बात है पुलिस ऐसा डिसीजन लेगी। हालांकि कुछ लोगों को इमीडिएटली रिलीज कर दिया गया, लेट्स सी बाकी लोगों का क्या होता है। राजी जो कि एक मेड इन इंडिया ट्रिपल ए टाइटल है पीसी एंड कंसोल प्लेटफॉर्म के लिए, सो रिसेंटली राजी का एनहांस्ड एडिशन पीसी प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च हुआ था एंड अब फाइनली कंपनी ने कंसोल के लिए राजी के एनहांस्ड एडिशन का रिलीज डेट अनाउंस कर दिया। तो 20 जुलाई को एक्सबॉक्स एंड प्लेस्टेशन प्लेटफॉर्म के लिए राजी एनहांस्ड एडिशन लॉन्च हो चुका है एंड 28 जुलाई को निंटेंडो स्विच के लिए राजी एनहांस्ड एडिशन लॉन्च हो जाएगा। अगर आपने राजी खेला है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
माइनक्राफ्ट के स्टूडियो यानी कि मोजैंग ने रिसेंटली अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में एक ब्लॉग पब्लिश किया एंड उस ब्लॉग के अंदर उन्होंने क्लियरली स्टेट किया कि वो लोग माइनक्राफ्ट के अंदर से NFT एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कम्प्लीटली बैन कर रहे हैं, कम्प्लीटली हटा रहे हैं। आपके क्या ओपिनियन है इस डिसीजन को लेके हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाइपर फ्रंट, जिसको आप वैलोरेंट मोबाइल बोल सकते हो बिकॉज ये गेम टोटली वैलोरेंट की तरह है एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुआ है एंड गेमिंग कम्युनिटी में ये गेम वैलोरेंट मोबाइल के नाम से पॉपुलर है। सो रिसेंटली हाइपर फ्रंट एंड हाइपर फ्रंट लाइट को ग्लोबली लॉन्च कर दिया गया हर एक कंट्री में। बट गाइस सैडली ये गेम इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ बिकॉज इस गेम को टोटली डेवलप किया है नेटीज कंपनी ने, जो कि एक चाइना का स्टूडियो है एंड इस स्टूडियो के सारे गेम्स इंडिया में बैन है। लेकिन आप VPN की हेल्प से आप इस गेम को इंडिया में रह के एंजॉय कर सकते हो। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपने किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।